चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। देर के लिए सोचता हूँ कि नीलम कितनी खुदगर्ज़ और बेहिस इंसान है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि उसकी रगों में भी हमारा खून दौड़ा है। डॉक्टर कैसी है वो? मिस्टर अमार, आपकी वाइफ का केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप माँ को बचा लें। आप काउंटर पर जाके कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए, हम इनका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। किसी की उम्मीद नहीं थी बुलिया। अम्मा, मुझे शन्नू ने नहीं बताया था। तुम मुझे ये बताओ कि नीलम की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? अब क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वो ऑपरेशन थिएटर में है। तुमने कहा है कि बच्चे या माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं। हेलो, क्या कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? नीलू को अस्पताल लेकर गया मैं। अपनी माँ इतनी सफाक हो सकती है कि अपनी गर्ज के खातिर अपनी औलाद की जान ले ले? इसका मतलब है कि वो दवाई नीलू ने और क्या मकसद? सिर्फ ये कि मलिया पर इल्जाम लगा के अमार की नजर में मलिया को बुरा बनाना। क्या वो कहा मलिया? वो बच्ची तो पिस गई बेचारी। ऐसा कुछ नहीं होगा सफर, अब अमार को सब कुछ बताना बहुत जरूरी हो गया। मिस्टर अमार, आपकी वाइफ की जान खतरे से बाहर है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? उनका केस काफी खराब हो गया था और हमें उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। And I'm so sorry, वो कभी माँ नहीं बन सकती। Sorry. मैं नहीं करूंगा। जब सब कुछ अपना किया धरा है तो फिर क्या जरूरत है पूछने की? अमार का फोन है, तुम बात करो, मैं नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नीलम को मैं हॉस्पिटल लाया था, उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी। हाँ, मलिहा ने मुझे बता दिया था। अब नीलो की कैसी तबीयत है?
नीलम तो खतरे से बाहर है, डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। और क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी, नीलम का केस काफी खराब हो गया था, इसलिए अब वो कभी मां नहीं बन सके। क्या हुआ? नीलम ने अपने हाथों से सब कुछ कमा लिया, अब उसे औलाद की नेमत कभी नहीं मिलने वाली। ऐसे ही होगा, कुफराने नेमत करने वालों के साथ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। समझो तुम्हारी बेटी की बुराई के दिन शुरू हो गए, वक्त ने पलटा खा लिया, अब देखना कुदरत का हर फैसला तुम्हारी बेटी के खिलाफ आए। मिस्टर अमार, आप लीजिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, इन्हें आपकी जरूरत है। अमार, खो दिया ना मैंने हमारे बच्चे को। मलिहा, मलिहा ने मारा है हमारे बच्चे को। अमार, मलिहा ने मारा है। अभी तो ये एक बच्चे को रो रही है, तो ये हाल है। अगर इन्हें उस बारे में पता चला तो। अमार, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मलिहा ने हमारे बच्चे को मार दिया है। अमार, मार दे उसने हमारे बच्चे को। मैडम, मलिहा ऐसा नहीं कर सकती है। मार, मलिहा नहीं मारा है, उससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं थी, उसने मुझे कई बार धमकाया था। चाय, हाँ, उसने उस चाय में ही कुछ मिलाया होगा, वो ही पी के मेरी हालत बिगड़ी थी। अम्मा, मलिहा ने मार दिया। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम घर चलते हैं। चलो। क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? चलाओ मेरे साथ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अम्मार बर्दाश्त करेगा हम दोनों को अपने घर में, आड़े हाथों लेगा और घर से बाहर अलग निकाल देगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? आपने फोन किया है, आप बोलो। नीलम जी से बात करवा दें। वो तो जी हॉस्पिटल गई हैं कल रात से। अस्पताल? क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं, साहब जी लेके गए थे। एक तो तेरी सुबह नहीं होती नीलो की आवाज सुने बगैर। हॉस्पिटल पहुंची भी है नीलो? वो क्यों पहुंच गई हॉस्पिटल? की होगी कोई खुदकुशी की कोशिश। अब अम्मार को अपने साइड पे करने के लिए ऐसे ही ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी वो। अम्मा, क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो?
चलाओ मेरे साथ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अब मार बर्दाश्त करेगा हम दोनों को अपने घर में, आड़े हाथों लेगा और घर से बाहर अलग निकाल देगा। अम्मा तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, अगर मैं तो जरूर जाऊंगा। अरे नाश्ता तो कर ले, कहाँ जा रहा है तू? कर नाश्ता। हाय हाय तो बिल्कुल पकला गया, जीना हराम किया मैं इस लड़के ने तो, चला गया। नीलम मिल गया सुकून तुम्हें मेरे बच्चे को मारकर? इसे कुछ पूछोगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं इसे? मैं पूछ लूंगा, तुम आराम करो। मार हमारे बच्चे की कातिल है ये। शन्नो। जी सर। और रूम में देखो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें लगता है इन सब की जिम्मेदार मैं? नीलम को तुम पर शक है। उसे मुझ पर शक है और तुम्हें पूरा यकीन, तभी तो देखने का अंदाज और बात का लहजा फौरन बदल गया। शन्नू ने मुझे खुद बताया था कि उसने तुम्हें कहा कि नीलम की तबीयत खराब है, उसके बावजूद तुम उसके पास नहीं गई। अम्मार वो झूठ बोल रही है। अच्छा और तुमने उसे धमकी भी दी? इसका जवाब तुम खुद से मांगो। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम नहीं कर सकती ऐसा, लेकिन वो इतना यकीन के साथ कैसे कह रही है? क्योंकि वो जान छुड़वाना चाहती है मुझसे, चाहती है मैं इस घर से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं। लेकिन अब फैसला तुम पर है अम्मा। अगर तुम्हें लगता है कि नीलम सच बोल रही है तो ठीक है, मैं खामोशी से चली जाती हूँ इस घर से। बेगम साहबा, आपको जरा भी दुख नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। दुख कैसा? सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था और नतीजा भी वही निकलेगा जो निकलना है। आपके लिए जूस लाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अमार, अमार तुमने पूछा उससे? नहीं, वैसे भी तुम्हारे लिए चाय या कुछ भी तो शन्नू लाती है, इनसे मैं मलिया का क्या लेना देना है? साहब जी चाय तो मैं ही लेने गई थी, पर मलिया बीबी ने मुझे किचन से बाहर भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि गेट पे देखो कोई आया है, मैं जब गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। अमर तुम्हें अब यकीन आया? मलिहा ने इसको किचन से सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो मेरी चाय में कुछ मिला सके, और उस चाय को पीने के बाद ही मेरी हालत बिगड़ी। तुम्हें मेरे बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है अम्मा? बच्चा को है मैंने अपना। Thank you.
जी लो के अब्बू, एक बार आप और सोच लें, बेटी का घर बर्बाद ना हो जाए। तुम फिर से मुझे बहका रही हो ना सफिया, अपने ममता का वास्ता देकर तुम मुझे अपनी राह से हटा रही, पर मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे उस बच्ची को नीलम नामी अजाब से बचा कर रखना है और ये फर्ज निभा कर रहूंगा मैं। ठीक है, जो आपको सही लगे वो करें। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी उसको धचका लगाए, शायद वो समझ जाए। अभी तो शुरुआत है सफिया, अभी तो उसको कई धचके और लगने हैं, अपने एक एक किए हुए गुनाह की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, यहाँ भी और वहाँ का अजाब तो अलहदा होगा। मन ना करे, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? तुमसे बातें करने से डर जाती है सफिया, और वो कोई अमल करते हुए नहीं डरती। जा रहा हूं मैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ना इससे मेरी बात का यकीन किया और ना ही मलिहा पे जाके बरसा। यही तो बेगम साहबा, बेकार में आपने अपने बच्चे की जान ले ली। चुप करो तुम, तुम्हारे मुंह से ये बार बार अल्फाज ना सुनूं मैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हें काम से फारिग कर दूंगी। जाओ जाके देखो कौन आया है। जी मैं देखती हूँ। जी आपको किससे मिलना है? वो जी नीलम जी से मिलना है। वो जी बाई नहीं आएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, तो जाओ उनको बताओ जाके कि नासिर साहब आए हैं। तो नहीं काम करो, जिसका कमरा बता दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जी आप यहीं रुके, मैं उनको बता देती हूँ आप हूँ, ठीक है? नीलम बीबी, नासिर साहब आए। क्या? उसे साहब मत बोलना आइंदा। और वो यहाँ आया क्यों है? उसे चलता करो फौरन। बड़ी गलत बात है नीलम जी, एक तो मैं तुम्हारा पता करने आया हूँ और तुम एक काम करो, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। अब जाओ भी। रुको, इसके लिए चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेहमान और होते हैं जिनकी खातिरदारी की जाती है, इसका शुमार उस लिस्ट में नहीं होता। जाओ यहां से। और तुम यहां क्यों आए हो? सोचा तो मैंने भी यही था नीलम जी, मगर क्या करो, दिल के हाथों मजबूर खींचा चलाया। वैसे क्या हुआ था? सुना अस्पताल का चक्कर लगा कर आई हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में थी? इसी शन्नो ने फोन उठाया था शायद, इसी से पता चला है मुझे। देख लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि अम्मा राजा अपनी शक्ल तो गुम करो फौरन। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, मगर एक बात फिर बता रहा हूं नीलम जी, वक्त कभी भी पड़ सकता है, तो फिर ऐसा ना हो कि तुम मेरे पास दौड़ी चली आओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊं? नामुमकिन। देखते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे तो दिल घबरा रहा है, घबराहट होने लगी, मुझे क्या करूं? अमार को फोन करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब नीलू की कैसी तबीयत है? पहले से तो बेहतर है, लेकिन आप नहीं आई उसे देखने के लिए? बेटा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो नीलू के अबू आए हैं तुम्हारी तरफ। शायद तुम घर पे नहीं हो। आंटी मैं ऑफिस में हूँ, बस थोड़ी देर में घर के लिए निकलूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। यार अब मैं क्या मलिया को पूछती हूँ, क्योंकि वो घर पे होगी, नीलू के अबू पहुंच गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? What? कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं आप लोग? ओके एक्सक्यूज मी, आपके पास अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया है? नाम बताएं। मोहम्मद इब्राहिम। कोई इमरजेंसी में है? आप वेट करें, डॉक्टर आते होंगे। इब्राहिम अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, अमाली के गया उन्हें हॉस्पिटल, मैं भी जा रही हूँ सफिया आंटी के पास। तुम सुन रही हो ना? हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब है, तुम साथ नहीं चलोगी? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हेलो, हेलो मलिया। मलिया इब्राहिम अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कैसे है वो? वो सब छोड़ो, तुम प्लीज नीलम को इन्फॉर्म करो और सफिया आंटी को लेकर कराची जनरल हॉस्पिटल आ जाओ, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर साहब पेशेंट की हालत कैसी है? आप पेशेंट की कौन है? मैं उनका बेटा। आप ऐसे कीजिए कि काउंटर पे जाके बिल्स वगैरह का पूछ लीजिए, ताकि हम उनका ऑपरेट वगैरह शुरू कर सकें। आप ऑपरेशन जारी कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, बिल के लिए इधर। नीलम वो इब्राहिम अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, अमाली के गया उन्हें हॉस्पिटल, मैं भी जा रही हूँ सफिया आंटी के पास। तुम सुन रही हो ना? हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब है, तुम साथ नहीं चलोगी? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ। अब खड़ी रहोगी या जाओगी भी? मैं जा रही हूँ, तुम सलार को संभाल लेना। मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ है। उनका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। वो ऑपरेशन में है, आप देख रहे हैं। ठीक हो? हाँ। सो गए थे, मेरा दिल घबरा रहा था, से बीच नहीं हो। जी आप परेशान हो तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा, इब्राहिम अंकल बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? हौसला रखे, कैसे है तुम्हारे अंकल? कुछ नहीं पता है, अभी ऑपरेशन चल रहा है। Thank you.
डॉक्टर साहब क्या हुआ, कैसी तबीयत अंकल की? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। नहीं, वो कुछ छोड़ के जा ही नहीं सकते। नहीं बचा सके, कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं, मैं जाके देख कर आती। नहीं, मैं देखती नहीं लोके अबू को। हेलो नीलम, टाइम अंकल की डेथ हो गई। नीलम तुम सुन रही हो ना, तुम कराची जनरल हॉस्पिटल आ जाओ, फिर हम डेड बॉडी लेके घर जाएंगे। हाँ मैं पहुंच जाऊं। हमारा भूखा है, मुझे अब्बू से मिलना है। अमार रुक जाओ, बेटो रुक जाओ। अम्मी तुमसे हर साहब में हम लोग तोड़ चुके थे, वो मैं तो वो पहले ही गए तुम्हारी हद को टोकी हुई जान आज निकली है उनकी जिस्म से। उनके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहां से तुम। अम्मा इसको लेकर जाओ यहां से, ले जाओ इसको। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? क्यों कर रही हैं ऐसा, क्यों तमाशा कर रही हैं? क्या जवाब देंगी लोगों को? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ अम्मा इसको यहां से। अमार मुझे प्लीज घर छोड़ दो, मैं और नहीं रह सकती हूँ। ये तुम आंटी का ख्याल रखो, ले जाओ इसका वजूद, ले जाओ। वो जमाने का घर से है, इसको भेज दिया, भेज दिया। अमार मुझे आप बैठे अपने आप को संभाले, इधर आए उसको। मैं नहीं चाहती थी कि उसके वजह से उनकी रूह को ऐसी भी तकलीफ पहुंचे, भेज दिया मैंने। हाँ
इधर बैठ। इतनी बदनसीब बेटी हूं मैं, अपने बाप के जनाजे में शरीक नहीं हो सकी। अमार, तुम मुझे क्यों ले आए यहां से? वही रहने दिया होता ना, अपने अब्बू का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, मैं वापस जाऊंगा। जनाजे के इंतजाम भी करने हैं। अमार अमार प्लीज मुझे भी लेके चलो, मैं अपने अब्बू का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी, मैं रेस्ट की जरूरत है। प्लीज प्लीज खुद को संभालो, तुम अगर इस तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो सकती है। शन्नो जी साहब जी, तुम्हें बेगम साहिबा का ख्याल रखना है और उन्हें अकेले मत छोड़ना। जी साहब जी, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं चेंज करती हूँ, देर होगी। खुद को संभाल। बेगम साहिबा, बहुत अफसोस हुआ आपके अब्बू का सुनकर। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। जाओ जाकर पानी लेकर आओ मेरे। जी से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा ले। नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा है कुछ भी खाने। कैसे जी पाऊंगी उनके बगैर मैं? उन्होंने तो मेरे बारे में ही सोचा और चलती है सफर पे। आंटी, अगर आपको बेहतर लगे तो आप हमारे साथ चलें। नहीं बेटा, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। यहाँ पे उनकी यादें मौजूद है और अब उनकी यादों से दूर नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।